हेलो फ्रेंड, आज हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि हम पैसे को जमा और क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं, पैसों को निकालते हैं। तो हम कोडिंग के द्वारा कैसे उसको बनाएंगे, चलिए देखिए। यहाँ पर पहले हेडर फाइल यूज करेंगे। मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल लेंगे, इंट टाइप के, इंटीजर टाइप के, क्योंकि हमें एक इनिशियल वैल्यू लेना है, इनिशियल अमाउंट जो पहले से हमारे अकाउंट में है। मान लीजिए इनिशियल अमाउंट पहले से कोई भी 1200 रुपया है और उसमें हमें डेबिट करना है या फिर पैसा जमा करना है या फिर निकालना है। तो उसके लिए एक और वेरिएबल लेंगे, यहाँ पर एक इंट और एक ए नाम के और बी नाम के दो वेरिएबल लेते हैं। और प्रिंटफ से हम उस मैसेज को डिस्प्ले करेंगे, इंटर इनिशियल अमाउंट। और स्कैनर से हम इस इनिशियल अमाउंट को इनपुट ले लेते हैं। उसके बाद कैरेक्टर नाम के एक चॉइस यहाँ पर वेरिएबल लेंगे और इसको भी हम प्रिंटर के माध्यम से इसको डिस्प्ले कर देंगे, एक मैसेज कि इंटर चॉइस ऑपरेशन, कौन से ऑपरेशन हमें करना है, यानी डेबिट करना है या क्रेडिट करना है पैसे को, ठीक है। और स्कैनर से हम इसको इनपुट ले लेते हैं। और इसमें चॉइस हम के वेरिएबल को यहाँ से इसके अंदर आर्गुमेंट पास कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम केस पहला में हम लोग यहाँ से अगर डेबिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डी दे दीजिए और इसके बाद यहाँ पर कॉलन। उसके बाद स्कैनर से हम लोग इस डेबिटेड अमाउंट को ले लेंगे है। डेबिट अमाउंट को ले लिया और इफ कंडीशन यूज करेंगे, क्योंकि हमें हमें नहीं पता है कि अमाउंट, मान लीजिए इनिशियल अमाउंट में 1200 रुपया है और डेबिटेड में करना चाहते हैं 2000 रुपया, तो वह 2000 रुपया नहीं निकल पाएगा क्योंकि हमारे अकाउंट में 1200 रुपया है। इसीलिए हम एक जो ए हमारा इनिशियल अमाउंट है वो बड़ा होगा और बी से, तो तभी हमारा अमाउंट डेबिट हो सकता है। तो हम प्रिंटेप से इसको न्यू अमाउंट लिखेंगे, न्यू अमाउंट इज कितना हमने पैसे निकाला है, डेबिट किया है, ए माइनस बी। ए माइनस बी इसलिए लिखा है कि यहाँ पर कि जो मेरा इनिशियल अमाउंट है ए है ए में, और जो डेबिट कर रहे हैं वो बी। तो इनिशियल अमाउंट में 1200 रुपया है, यानी 500 रुपया हम डेबिट करना चाहते हैं, तो 1200 रुपये में 500 रुपये कटाएंगे तभी तो मेरा अमाउंट कितना बचा हुआ देख डिस्प्ले करेगा। इनसुफिशियंट अमाउंट, इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट्स यूज कर देंगे, ठीक है। इनसुफिशियंट अमाउंट इसलिए लिखा है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए इनिशियल अमाउंट जो होगा डेबिट अमाउंट से छोटा हो गया तो यहाँ पर कहेगा कि मेरा अमाउंट नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले कुछ भी यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे सेंट अमाउंट मैंने लिख दिया है। उसके बाद केस टू में जाएंगे, यहाँ पर इसको क्रेडिट अगर करना है, इनिशियल अमाउंट जो है मान लीजिए कोई भी है 1200 रुपया है उसमें और 500 रुपया उसको हमें जमा करना है, यानी क्रेडिट करना है, तो कैसे यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद स्कैनर से हम लोग इस क्रेडिट अमाउंट को इनपुट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रिंटेप के माध्यम से हम डिस्प्ले कराएंगे न्यू अमाउंट इज परसेंट डी। उसके बाद हम इनिशियल अमाउंट को और क्रेडिट अमाउंट को जोड़ देंगे तो मेरा न्यू अमाउंट मिल जाएगा, क्योंकि हम क्रेडिट कर रहे हैं यानी जमा कर रहे हैं पैसा को, तो मेरा इनिशियल अमाउंट जितना था उसमें जोड़ेगा तो ए प्लस बी जोड़ दिया। उसके बाद यहाँ से मेरा न्यू अमाउंट शो करेगा।
ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं, डिफॉल्ट प्रिंटफ में यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई भी दूसरा ऑपरेशन हमने सेलेक्ट किया है। उसके बाद रिटर्न जीरो इसलिए लेते हैं कि सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अमाउंट मान लीजिए हमने 1200 दे दिया है, माने 1200 अकाउंट में पहले से हमारा पैसा है। उसके बाद हमें मान लीजिए इंटर चॉइस ऑपरेशन, माने हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है कि डेबिट करना है। मान लीजिए क्रेडिट करते हैं सी, यानी सी से क्रेडिट। उसके बाद यहाँ पर इंटर योर क्रेडिट अमाउंट कर रहा है, मान लीजिए 500 रुपया हमें जमा कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 1700 रुपया मेरा अमाउंट लिखा हुआ है ना, 1700 रुपया, यानी 1200 रुपया में 500 रुपया जोड़ दिया है, यानी क्रेडिट किया है इसलिए। तो यानी मान लीजिए मान 1200 रुपया है, उसमें हम लोग डेबिट करना चाहते हैं, तो डी को डी यहाँ पर इनपुट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेबिटेड अमाउंट देखिए, इंटर डेबिटेड अमाउंट आ गया ना, डेबिट कितना करना चाहते हैं, यानी 600 रुपया निकालना चाहते हैं, यानी डेबिट करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 600 रुपया बच गए हैं।